दाजी वो जो चश्मे के पास जमीन का टुकड़ा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, अगर वहाँ होटल बन गया तो बड़ा फायदा होगा। वैसे भी अब तो बहुत सही आने लगे यहाँ पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल दाजी, मैंने सुना नहीं। सुना नहीं है या सुनना चाहते नहीं हो? शांसे का क्या मसला है? रोज बरोज उसके लफ्जों के तीर बढ़ते जा रहे हैं। दाजी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चा नहीं हूं, समझता है? अच्छा एक बात का मुझे सीधा सीधा जवाब दो, तुम उसका हकूक पूरा कर रहे? जी पक्की बात है जी। पर उसको कहो कि अपने औकात में रहे, यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने गुलरेज की बेटी को अपना बहू कबूल कर लिया। तो तुम्हारा बीवी है, बीवी बनकर है बच्चे पैदा करे, ताकि मेरा नस्ल कशी का जो कर्ज है वो पूरा हो सके। जी दाजी मैं बात करूंगा। सुन जाके पता कर कि क्या मामला हुआ। मैं क्या पूछूं, लड़कियों से मेरी वैसे भी नहीं बनती। पर लड़कियों को फ्रैंक होने में इतना टाइम नहीं लगता, तू जाके हाल पूछ, चाल पूरी बता देगी। जा तो फिर मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो, चाहिए उससे पूछ लो। प्यार से पूछ रहा हूँ तो सर पे चढ़ेगा अब तू? जाके उससे पूछ जो बोन टूटी है वो कौन सी है और ये अटेंडेंट क्यों बुला रहा था। चल गुड, चल अच्छा भाई जा 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 जा। और सुन शक नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ, जा काम करें अपने। मिस खजस्ता आपसे बोन मिसप्लेस तो नहीं हो गई है? देखिए मैं इस मामले में ना बड़ा सख्त इंसान हूँ। मेडिकल फील्ड में सबसे पहली चीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई नो सर। कितने दिन हो गए मुझे बोन इशू किए हुए, अभी तक आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ? सर वो थोड़ा उसमें काम रहता है तो मैंने कहा खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस कर दूंगी। कितने दिन और मुझे बताएं? हर बच्चा मुझसे बोन्स मांग रहा है और हर बोन किसी न किसी के पास गई हुई है, मैं क्या जवाब दूं? सर वो एग्जाम भी करीब है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जल्द से जल्द मुझे वो बोन वापस करें, इससे पहले कि मेरी शिकायत डीसी तक जाए। ठीक है अभी आप जाएं अपनी क्लास के अंदर, कल वापस आइएगा, बोन सबमिट कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सर। जाइए।